दिस इज माई बचपन की डॉल। गाइस तो अब हम आ गए हैं इंदिरापुरम है जो आपको दिखता हो ना उसे 100 गुना ज्यादा मेहनत होती है। काम पे लगा दिया मैंने कहा मुझे मेरी लोकेशन की दिक्कत हो रही है ना साक्षर विश की कुछ पुराने जब गूगल पे पूछ अपडेट नहीं गूगल पे अपडेट है तो प्लीज डू द ऑनर्स और मानो और भी दो तीन काम है तुझसे दो दिन को अभी हो गए एक घंटे के अंदर नहीं नहीं उसके बाद दो दिन से काम होते हैं मुझे ब्लूटूथ स्पीकर करना है मुझे जो सॉफ्टवेयर करवाने हैं इंस्टॉल फ्लाइट लेके आई टी सपोर्ट है सच में चाहिए सच में पता बहुत सारी चीजें करनी है एंड यहाँ पे ना गाइस वॉलपेपर लग के चमक रहा है ना फर्क लग रहा है ऐसा ही लग रहा है ओए उठ गई बेड करवाते हैं अभी पापा को बोलते हैं ना कुछ हो गया तो फिर मैंने करिश्मे में बेटी को प्यारी प्यारी चमकती हुई स्किन के साथ शिवांगी इज हियर शिवांगी हाउ वाज योर हाइड्रा फेशियल रियली गुड आई वुड हाईली रिकमेंड पीपल टू डू कम एंड गेट द फेशियल डन चलो विल सी यू वेरी वेरी सून एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर थिया थिया की फ्रेंड थिया हमारे पास आई है बहुत ही प्यारी प्यारी खुशबू एनिका भी हाइड्रा फेशियल हुआ है कैसा रहा एक्सपीरियंस खुशबू बहुत अमेजिंग मैंने एक्चुअली बहुत टाइम बाद ही है छोटा बेबी होने की वजह से बट बहुत अच्छा Guys, I'm gonna show you my बचपन की डॉल This is my बचपन की डॉल She has gone बेटा थोड़ा सा बुजुर्ग हो गया मेरी डॉल मेरे बचपन की है ना बुजुर्ग हो गया और बेबी रो रहा बीमार तो ये बीमार है It's so old, it's dying here. It's not dying. It's my बचपन की मेमोरी What is wrong with her legs? देखो फट गई थी ना तो ये दादी ने सिली है देखो सिली है बेटा पूरी फट गई थी अच्छा रुचि आपको देख उसको अच्छी लगी है क्या ये मम्मा की डॉल थी हाँ मम्मा की डॉल थी तो बचपन में Right guys, I'm going to tell you one game that is gonna be very fun. ये देखो बुआ की डॉल अच्छी लग रही है उसको भी इतनी ड्रॉप नहीं है मतलब अभी भी क्यूटनेस मेंटेन है बुआ की डॉल अबे यार हाँ बोलो गाइस तो बस फिर हम लोग कल घर पे आ गए थे मम्मी के यहाँ पे मेरी मम्मी के यहाँ पे एंड मैंने भानु को पहले बोला था कि मेरे साथ ना एक दिन के लिए तो आना पड़ेगा बिकॉज मेरे को ना बहुत सामान हो जाता है चिया के साथ उसकी हाई चेयर को पैक करना है बेड वेड सब कुछ एंड हाई चेयर को अनपैक करना है मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था मुझे दो तीन घंटे लग गए थे उसमें एंड सामान टैचियाँ वैचियाँ क्योंकि अब हम ऐसे ही पैक करेंगे कि सीधा यूके के हिसाब से तो कल हम यहीं पर आ गए थे सबके साथ चिल किया रात को बहुत लेट आइट हो गई थी एंड बस अभी तो यार दोपहर हो गई है अभी देखो बाप बेटी दोनों सो रहे हैं मानू हल्का सा हिला था आई थिंक जेट लैग था मानू भी तो मैं बस तैयार हो अपने काम निपटा रही हूँ एंड जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं पैकिंग करना फिर जो हमारे विलायत से साजन जी आए हैं फिर हमारी वो हेल्प कर देंगे अरे क्या कह रही है सो जाना सुन क्या इतनी गर्मी है बाहर बहुत गर्मी है बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बस मैं शुरू करती हूँ एंड मानू मेरी हेल्प कराए स्टाफ को भी यार क्या ही बोलूँ वो बेचारे इतने थके हुए मुझे खुद को अजीब लग रहा था उनको बोलते हैं एंड इट्स लाइक हैवी ड्यूटी वर्क तेजी उठाओ सामान उठाओ चलो भाई मैं शुरू करती हूँ फिर खत्म कर दी तू
इस पैकिंग तो अभी चल रही है, हमारी गुड़िया भी उठ गई है, गुड़िया कर रही है अपना ब्रंच। रो बेटे चिया सूजी का हलवा विद बनाना प्यूरी। अच्छा बोलो, सबको दिखाओ कैसे बोलते हो बनाना। बनाना बोलो, बोलते रहते अभी। हाँ बनाना चिया, बनाना बनाना, बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे। लो खा लो चाचा। क्या बोल, हाय डैड, आ गए डैड, आ गए आपके नन्ना नन्ना। ये लो खा लो, चलो फिर चलते हैं, फिर तो खा लो, फिर जाना भी नहीं कराएंगे भाई। तो वापस आ गई हूँ मैं इसी व्यू पे, और मैं अकेली हूँ इस बार गाड़ी में, भानु भी है साथ में पीछे एंड चिया के साथ है। मैं गाड़ी, मैंने कहा मैं ही गाड़ी चलाती हूँ, मैं भी फ्लो फ्लो में हूँ दिल्ली के ड्राइविंग से, बंदा हमारा बाहर से आया। तो मैं हमेशा बोलती हूँ भानु एक्सपर्ट है बाहर चलाने में गाड़ी, और मैं एक्सपर्ट हूँ दिल्ली में चलाने में गाड़ी, है ना। इंद्रपुरम तो भानु को मैंने पहले से कहा कि जैसे ही भानु आएगा उसको मैं इंद्रपुरम वाली ब्रांच भी दिखाऊंगी। एंड बस मैं थोड़ा सा आज ना रूटीन थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि मेरा मन था कि मैं सुबह उठ के व्लॉग व्लॉग एडिट करके, क्योंकि चिया के साथ तो हमारे भानु जी थे, हमारे साजन जी थे, तो यू नो मैं अपना व्लॉग एडिट करके अपना चली जाऊंगी, स्टूडियो चली जाऊंगी, बुकिंग्स काफी थी आज। एंड आई रियली लाइक, मैं जाके मिलती हूँ ना आप लोगों से जब सब आते हैं, बट मेरा ना वो हो ही नहीं पाया क्योंकि अब बहुत लेट हो गया ना भानु, पैकिंग के चक्कर में भाई। अब तो सोच मैं अकेले कैसे करती, इम्पॉसिबल है यार, कंटेंट स्टोरीज वगैरह सब बहुत चीज होती है भाई। मैं सच में रोने वाली हालत हो जाती है, क्या हो रहा है भाई। जरा थोड़ा सा रास्ता मैप मैप देखना था। तो बस हम अभी निकले हैं 5 बजे, अब 6 बजे हम पहुंचेंगे इंद्रपुरम, 1 घंटे का रास्ता है। एंड फिर अंशु साक्षी से मिलेंगे यहाँ पे, हाँ कि काम की अपडेट वैसे मुझे तो मिलती रहती है फोन पे वीडियोस के थ्रू सब कुछ। मैंने कहा जाके भी देख ले, अगर भानु को भी ले आती हूँ, चिया भी चलती है साथ में, और गर्मी भी थोड़ी कम होगी तो सही डिसीजन है, बच्चे के साथ भी जा रहे हैं यार, तो थोड़ा सा नहीं ठीक है। भानु कह रहे हो इतनी गर्मी कैसे बड़े टाइम बाद आए गर्मियों में, वहाँ तो हैराना चलना रहता है। बस यार फिर बस ऐसे ही रहा, कल तो मैं बेहोश हो गई थी, मेरी ना इतनी हालत खराब थी, भानु जेट लैग, लेकिन मैं मानो मैंने हल्की सी लेग दबा दी, वो मेरी दबा रहा था, मैं क्रैश, आई क्रैश्ड, एक आई वाज लाइक मुझे पता ही नहीं, सुबह बहुत घूम में इतनी थकी हुई थी भाई। बट गाइस बस अभी जाते हैं, फिर आपको भी दिखाते हैं अपडेट वहाँ पे कितना काम चल रहा है एंड क्या भानु के और मेरे होते हुए, क्योंकि अब मेरा भानु साथ में वापस जा रहे हैं, बिकॉज चिया की भी यार अपॉइंटमेंट से मैंने बहुत डिले कर करके हम लास्ट डेट हमने एक चूज करी है, बड़ी मुश्किल से हुई है। तो क्या हमारे सामने पूरा हो पाएगा जो कि आई एम एमिंग फॉर, बिकॉज आई रियली वांटेड टू हैपन। नहीं सही, भानु को मैंने बुलाया है, फिंगर्स क्रॉस्ड। गाइस तो हम आ गए हैं इंद्रपुरम, है चिया इंद्रपुरम आ गए हम, हम दिखाएंगे, चलो देखते हैं अब। और बस हमें जल्दी बोलना भैया को, भैया प्लीज जल्दी काम में, जल्दी जल्दी काम निपटाओ, हमारे होते होते कर दो यार, मैंने देखा हुआ है जो ये बोलते हैं उससे 10 मिनट ठीक है, चलो लेट्स गो। कैसे हो, कैसे हो जी, हाय मैंने आपको व्लॉग में देखा है सबको, हाय और भाई बढ़िया, क्या हाल है, काम आम चल रहे, तो हमारी आवाज़ अभी आ नहीं रही होगी इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। तो ये काम रुका गया ताकि व्लॉग बनाया जाए, मैंने तो है अब देख के लग तो रहा है कि हम नेक्स्ट 10 डेज में यस
हम सोच रहे थे कि हमारे तो हो जाएगा, हम हमारे रहते तो नहीं होगा। हाँ जी भाई, हाँ जी गूगू गूगू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, शोना शोना बेबी हंसते अब शर्मा गई होगी। कुछ कुछ गाइस, हम तीनों इकट्ठे, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत गर्मी है लेकिन मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है। एनीवे पता भी मैंने भांदर बैठे हैं, ढंग से बैठ के बात भी नहीं करी है ना, सही है। ऐसा हम वी हैवंट रियली से सैट इन, हमने कैच अप तक नहीं करा है भाई। हाँ जी 100 की चल रहा है, बट अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है यार, एंड स्पेस इज रियली बिग। तो वी आर होपिंग एंड कि आप लोग सब आओगे एंड बहुत सारी सर्विसेज कराओगे एंड मिलोगे हमसे, मेकअप कराओगे, हम सबसे मिलोगे, चिया से मिलोगे, साक्षी मासी से मिलोगे, साक्षी मासी से। एनी वे अभी हम आए हैं हैबिटेट हैबिटेट सेंटर। मुझे यहाँ की थोड़ी जगहों के नाम याद करने पड़ेंगे, अपने अड्डे बनाने पड़ेंगे ना अब तो। हम ना कहीं पर भी चल रहे हैं भाई, लिफ्ट का गुड क्वेश्चन। तो देखते हैं यार, एम करते हैं कब तक खुलता है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है हो सकती है डिले, क्योंकि यहाँ पे भी हुई थी यार काम ना तुम्हारे हाथ। हम तो यार पुश करते हैं अपनी तरफ से सबको, पूरी टीम सेम ही है ऑलमोस्ट वहाँ की यहाँ। बट एनीवे चलो ऊपर चलते हैं अभी। अच्छा है, अच्छी जगह है यहाँ पे, इनका सेकंड हुआ था आपको दिखता होगा ना, सिर्फ 100 गुना ज्यादा मेहनत होती है। हमने खाने खाने के लिए कैमरा निकाला था यहाँ पे, ये सब दुख दुखी लोग अपने शुरू हो गए यहाँ पे। तो खाना आ चुका है यहाँ पे, सिजलर ही सिजलर है गोला सिजलर में, वहाँ पे हमारा गाजर सिजलर चल रहा है, बॉइल्ड 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 गाजर। यस आई रिमेम्बर दैट। अभी भी बच्चे ही हैं बाय द वे, हम दिल तो बच्चा ही नहीं। Bubble gum, bubble gum, bubble gum, and sticking to my Sakshi Masi. Pull it, and we pull it, and we pull it away. क्या आ गई है गाइस, बंदा हम सबसे ज्यादा बंदा ही ट्रैवल करता है। एस पीतमपुरा से बंदा इंद्रपुरम के, इंद्रपुरम से वापस आया है वेस्ट दिल्ली। हाँ जी, अब कौन सी हाउस में आ गए? शुरू कराया है ना मॉर्निंग में। एक गुबड़ा, एक गुबड़ा गाइस, बंदे लग चुके हैं अनपैकिंग में, पैकिंग अनपैकिंग सामान हमारा भी जिन्हों का डोसा है अपने लिए ना। सगन वगन मिल रहे, मासी ने दिए होंगे चिया के लिए। चिया कंजक है, चिया ये लो आपकी वो कंजक वंजक, प्रॉपर कंजक आई हुई है अपने यहाँ देखो गाइस। इसको अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा अभी भाई, उस दिन तो तूने ऐसे झपट्टे मारे थे वहाँ पे जब स्टूडियो खोला था वहाँ पे, देखो जो जितने सगन मिल रहे थे। चिया ये देखो ये क्या है, ये ऐसी चीज है, इसको कभी मना नहीं करना। जो अगर बोलते हैं ना यहाँ पे, अरे क्यों लाए क्यों लाए, दिल से उनके लड्डू फूट रहे होते हैं एक्चुअली में, तो इसलिए ले लेना चाहिए और बोलना चाहिए थैंक यू सो मच, बस दैट्स इट। ठीक है, देखिए, ओह ब्लेस यू, ओह ब्लेस यू।